हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। सो टारगेट आईएएस 2021 में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और वो करंट अफेयर्स आपके रहेंगे मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स को याद रखें, यानी कि मोर देन वन ईयर के हम लोग करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं। क्लियर? और अभी तक का हमने करंट अफेयर्स को मार्च के करंट अफेयर्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को कवर अप कर लिया है। हमारा 35th लेक्चर था, जो वो लास्ट लेक्चर था सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स को लेकर। क्लियर है? और आज हमारा जो 36th लेक्चर होने जा रहा है ना, वो रहेगा अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के बेसिस पे, यानी कि अक्टूबर मंथ का पहला करंट अफेयर्स के बेसिस पे लेक्चर आपका 36th नंबर रहेगा। क्लियर है? और फिर से मैं नए लर्नर्स के लिए एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हर एक सेशन की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए आप लोग, वहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड है, जहां पर जाकर आप लोग अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? और अगर बात कर रही है मोर देन वन ईयर से करंट अफेयर्स को, तो हम लोग ये करंट अफेयर्स 70 डेज के अंदर कवर अप करेंगे, यानी कि बिफोर द प्रीलिम्स ऑफ 2021 हम लोग अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अगर आप लोग कॉन्टिन्यू में देखते हो ना ये सेशन को, तो करंट अफेयर्स में आने वाली प्रॉब्लम आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से दूर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इस सेशंस के अंदर हर एक न्यूज़ को वेल एक्सप्लेन्ड मैनर से कवर अप कर रहे हैं। इवन हर एक न्यूज़ के ऊपर जो भी यूपीएससी परस्पेक्टिव कोई इंपॉर्टेंट डाटा रहता है, तो हम लोग वो डाटा एड ऑन भी कर रहे हैं पैरेलली। क्लियर है? तो अगर मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूँ, तो माई सेल्फ कनम अग्रवाल, आई एम द करंट अफेयर मेंटर इन द अभिमन्यु आईएएस। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आज का नया सेशन। तो आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ रहेगी 20 ईयर्स ऑफ हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जीएस पेपर 3 के लिए। शुरू करें? ओके। तो यहाँ पे लिखा कि हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, जो हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप है, नाम है उसका चंद्रा, क्लियर है, हैज़ बीन यूज्ड इन मेनी कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल कैंपेन्स। हम लोगों ने ये चंद्रा टेलीस्कोप को कई जगह इंटरनेशनल स्तर पर भी यूज़ किया, कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल कैंपेन के आधार पे, टू मॉनिटर स्टेलर एक्सप्लोजन्स, कॉमेट एंड द एक्सोप्लैनेट्स, एंड हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दीज स्टडीज। क्लियर? बस आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ को पहले ही फोकस करके रखा करो कि ये टेलीस्कोप हमने अभी तक का कहाँ कहाँ पे यूज़ कर लिया, किस किस चीज़ को मॉनिटर करने में। तो स्टूडेंट्स, एक तो है हमारा स्टेलर एक्सप्लोजन्स को लेकर, कॉमेट्स को लेकर, देन आफ्टर एक्सोप्लैनेट्स को लेकर आ रहा है। क्लियर है? ये चीज़ें थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि द हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप इज अ 2.01 मीटर्स डायमीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। याद रखें, ये उसका डायमेंशंस बताए गए हैं कि जो आपका चंद्रा टेलीस्कोप है, जो हिमालयस पे लगा हुआ है, वो 2.01 मीटर्स डायमीटर का रहेगा, ऑप्टिकली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं व्हाई वी कॉल दिस एज चंद्रा टेलीस्कोप, तो स्टूडेंट्स ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है, हालांकि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे लिखा कि इट इज नेम्ड आफ्टर इंडिया बॉर्न नोबल, कौन है वो, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि किसके नाम के आधार पे जो हिमालय में सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगाया हुआ है भारत के अंदर, वो किसके नाम पर है, वो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के आधार पे, वो इंडियन नोबल है, नोबल पुरस्कार से है वो। क्लियर है? आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा इट कंटेन अ मॉडिफाइड रिटके क्रिटियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है यहाँ, एक सेकेंड,
ये मॉडिफाइड है, कौन सा के क्रिएटिनिन सिस्टम है विद अ प्राइमरी मिरर मेड ऑफ यूएलई सेरामिक। सेरामिक क्या चीज रहती है जो काफी चमकदार रहता है, जो काफी ब्रिटल होता है, विच इज डिजाइंड टू विदस्टैंड लो टेम्परेचर इट्स एक्सपीरियंसेस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं तो यहां पे लिखा गया ऑपरेटेड एंड प्लेस्ड एट, ये इंपॉर्टेंट है प्रिलिम परस्पेक्टिव से। अगर ना हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव कोई क्वेश्चन आता है चंद्र अपना सॉरी टेलीस्कोप को लेकर या साइंस एंड टेक को लेकर, तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट माइट बोल रहा हूं मैं। तो यहां पे लिखा कि ऑपरेटेड एंड प्लेस्ड एट कहां पे रखा गया, इन द कोल्ड ड्राई डेजर्ट ऑफ लद्दाख। और कितनी ऊंचाई पे है, थल थल की ऊंचाई से मतलब फ्रॉम द मीन सी लेवल, वो है 4500 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल एट द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। क्लियर, बढ़े आगे। तो नेक्स्ट लिखा गया द टेलीस्कोप रिमोटली ऑपरेटेड फ्रॉम, अब कंसेप्ट है यहां पे फिर से मैं प्रिलिम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट बोलता हूं। क्लियर, कि कहने का मतलब क्या है कि आपका टेलीस्कोप तो लद्दाख में लगाया गया है, बट उसको ऑपरेट कहां से किया जाता है, तो लिखा गया द टेलीस्कोप रिमोटली ऑपरेटेड फ्रॉम द सेंटर फॉर द रिसर्च एंड एजुकेशन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको बोल दिया जाता है CRESD, यानी कि सेंटर फॉर द रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स होसा कोटे। और यहाँ के कहाँ ये कहते होजा कोटे इज अबाउट 35 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ बेंगलोर। क्लियर, इवन बोला गया कि जो आपका ये टेलीस्कोप है चंद्र टेलीस्कोप इज रिमोटली ऑपरेटेड बाय एन इनसैट 3B सेटेलाइट लिंक, अगेन इम्पोर्टेंट। हमने जैसे पढ़ा था ना कि जो भारत सरकार ने जो डिजिटल एजुकेशन को लेकर प्रोग्राम लॉन्च किया था, टीवी चैनल लॉन्च किया था, DTH सर्विस यूज़ की थी, तो हमने वहाँ पे लिखा था कि भारत सरकार ने GS-15 को सैटेलाइट को यूज़ किया था। तो सिमिलरली इसी कंसेप्ट के तहत भी जो आपके चंद्रा टेलीस्कोप है ना स्टूडेंट्स, वो कौन सी सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं रिमोटली ऑपरेशंस के लिए, वो है आपकी इनसेट 3B सैटेलाइट। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर, तो आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस माइट बी पॉसिबल कि UPSC में हमें एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर, तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहे, अगर कोई डाउट है ना यहाँ पे इस स्लाइड में सिर्फ मैं बात करूँ तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखकर बताइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा कि द टेलीस्कोप हैज बीन यूज इन मैनी कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल कैंपेन्स। अब कंसेप्ट है ये हमने अभी पढ़ लिया है टू मॉनिटर, ये तो इवन वो फिर से रिपीट हो चुका है पहला आपका। क्लियर, आगे बढ़ा गया तो लिखें कि सम ऑफ द थ्रस्ट रिसर्च एरियाज आर द, अब इनमें से ऐसे कौन से कोर सेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि चंद्रशेखर ने सबसे अच्छा रिसर्च किया है, अब कर रहे हैं, वो हैं आपके लाइक कॉमेट एस्टेरॉइड्स एंड द स्टडी ऑफ स्टार फॉर्मेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है। अरे उस चीज की पढ़ाई करना, उस चीज के बारे में डाटा नोट करना कि जो स्टार्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं और क्या प्रोसेस होता है इसको बनने में। क्लियर है ना, एंड द यंग स्टेलर ऑब्जेक्ट्स। आगे लिखा गया कि जो स्टडी है ऑफ ओपन एंड द ग्लोबुलर क्लस्टर एंड द वेरिएबल स्टार्स इन देम। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। आगे लिखते हैं यहाँ पे ना, जो आपको सेकंड पॉइंट देखने को मिल रहा है, आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में लेकर जा सकते हो कि इसका एम क्या था बनाने का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बनाने का। इवन कहते इट हैज हेल्प्ड इन एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द इवॉल्व्ड स्टार्स, स्टार फॉर्मेशन इन द एक्सटर्नल गैलेक्सीज। हालांकि दूसरी गैलेक्सीज में भी किस तरीके का स्टार फॉर्मेशन होता है वो भी हम लोग यहाँ से इसकी हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, स्टेलर एक्सप्लोजन्स लाइक नोवाए, सुपरनोवाए, गामा रे बर्स्ट एंड सो ऑन। तो ये चीज हमें हेल्प कर रही है चंद्रा टेलीस्कोप आपकी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज क्या रहेगी कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। क्लियर,
और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जीएस पेपर टू एंड जीएस पेपर थ्री के लिए। शुरू करूं? ओके, तो यहां पे लिखा गया द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC। यहां पे मैं आपको थोड़ा डाटा एड ऑन करवाऊंगा, बस पहले हम लोग एक बार ये पहला कंप्लीट कर लेते हैं। हमें इतना तो नॉलेज है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है LIC और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। इन तीनों कंपनियों को जो इंश्योरेंस के आधार पर चलती हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। अरे यहां पे आप लोग देखिए इन तीनों कंपनियों को क्या बोल दिया कि डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स आ रहे हैं ये, और आपको इसका शॉर्ट फॉर्म क्या देखने को मिला, DSII, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स फॉर द ईयर ऑफ 2020 से 2021 बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटर। और यहां पे लिखा कौन है वो आपका इंश्योरेंस रेगुलेटर, वो आपका आता है IRDAI, मतलब द इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर? अब स्टूडेंट्स है क्या चीज यहां पे हम लोग नोट ऑन कर लेते हैं LIC के बारे में। यहां पे लिखा कि जो LIC है वो पूरी तरह से भारत सरकार की है और कब बनाया गया था, 1956 में। क्लियर? इवन यहां पे एक और अगर LIC के लिए ही लिखा जाए, LIC के लिए तो लिखा गया कि इट हैज द बिगेस्ट शेयर इन इंडियन इंश्योरेंसेस, सबसे बड़ा हिस्सा है LIC का। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? आगे बढ़ते हैं। लिखा द IRDAI वुड आइडेंटिफाई, क्योंकि इसी ने तो आइडेंटिफाई करना है ना DSII को, मतलब डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस को। क्लियर? ऑन द एनुअल बेसिस पूरे साल के आधार पे एंड डिस्क्लोज द नेम ऑफ सच इंश्योरर फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी। अब या तो आप बोल दो रिक्वायरमेंट क्यों थी, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि अगर इसको बना भी दिया तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या फिर इसका एम क्या है। क्लियर? उसको देखते हैं। तो बोला गया द थ्री पब्लिक सेक्टर्स इंश्योरर हैव बीन आस्क्ड टू रेज द लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्लियर? नेक्स्ट आता है कि आइडेंटिफाई ऑल द रेलिवेंट रिस्क। अरे क्या कंसेप्ट है, आइडेंटिफाई करना है हर एक रिस्क को एंड प्रमोट, और क्या प्रमोट करना है, प्रमोट अ साउंड रिस्क मैनेजमेंट कल्चर। कंसेप्ट पे फोकस कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। हमने यहां पे लिख दिया कि आइडेंटिफाई कीजिए सभी के सभी रिस्क को लेकर जो इंश्योरेंस कंपनी फेस करती है एंड प्रमोट अ साउंड रिस्क मैनेजमेंट, ताकि हम लोग वो रिस्क को कवर अप कर लें। क्लियर? इवन इवन लिखा कि जो डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स हैं विल ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू एनहांस्ड रेगुलेटरी सुपरविजन ऑफ द IRDAI। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे लिखा है आपका कि द DSIIs आर परसीव्ड एज इंश्योरर्स दैट आर टू बिग और टू इंपॉर्टेंट टू फेल। अरे इंपॉर्टेंट है, हमने परसीव किया है भी बहुत बड़ी हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं, टू इंपॉर्टेंट टू फेल। क्लियर? इवन यहां लिखा कि जो आपका डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स हैं टू इंश्योरर्स ऑफ सच साइज की मार्केट इंपॉर्टेंस एंड डोमेस्टिक कंसेप्ट है,
कि भारत के अंदर अगर मैं बात कर लूँ, भारत के बाजार की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा कि मार्केट के इम्पोर्टेंस की बात की गई, डोमेस्टिक की बात की गई है एंड ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस हुज डिस्ट्रेस और द फेलियर वुड कॉज अ सिग्निफिकेंट डिसलोकेशन इन द डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा कि दस द कॉन्टिन्यूड फंक्शन ऑफ, अब अगर इसी को कॉन्टिन्यूटी में चलाया जाएगा DSSI को, इज क्रिटिकल फॉर द अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस सर्विस टू द नेशनल इकोनॉमी। अरे इंपॉर्टेंट है ये, आपका मेंस पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कॉन्टिन्यूटी में रहता है, इज क्रिटिकल फॉर द अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी, भारत की नेशनल इकोनॉमी को लेकर बात की गई यहां पे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा कि गिवन द नेचर ऑफ ऑपरेशन एंड द सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस, कि गिवन द नेचर ऑफ ऑपरेशन, अरे किस तरीके का इसका ऑपरेशन रहेगा एंड देयर सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस, अगर ये फेल होता है आपका DSSI has the potential to cause significant disruption to the essential services they provide to the policy holders, in turn to overall economic activity of the country. तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है कि आपका DSSS कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है नेशनल इकोनॉमी को लेकर, क्लियर, और इवन भारत के सिटीजन्स को लेकर। क्लियर, आगे लिखा गया कि these considerations required that DSSIs should be subjected to additional regulatory measures to deal with the systematic risk and the moral hazards issue. यहाँ पे यही चीज mention की गई है कि अरे domestic systematic important insurance should be subjected to additional, उनको additional regulator की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने systematic risk को, सिस्टमेटिक रिस्क को ओवरकम करना है एंड मोरल हजार्ड्स वाले इश्यूज को भी जो आएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमेटिक रिस्क या फिर आप मोरल हजार्ड जो भी हम देख रहे थे, सिस्टमेटिक रिस्क क्या है? ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है दैट एन इवेंट एट द कंपनी लेवल, जो एक बड़ी कंपनी लेवल पे हो सकता है, could trigger severe instability or the collapse and entire industry. अरे concept है जो trigger कर सकता है, एक ऐसी possibility है जो कुछ ऐसा trigger हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जो company है serve instability और collapse हो जाए an entire industry or the economy, जो आज आप देखने को बोल सकते हो pandemic के दौरान। clear, अगर बात की जाए स्टूडेंट्स मोरल हजार्ड्स की, वो एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक पार्टी गेट्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिस्की इवेंट नोइंग दैट इट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क एंड द अदर पार्टी विल इनकर द कॉस्ट। क्लियर, इट अराइजेस व्हेन बोथ द पार्टीज हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ईच अदर, सो दिस इज योर मोरल हजार्ड, जब दो पार्टीज को एक दूसरे के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है और दूसरी पार्टी उसकी कॉस्टिंग नहीं कर रही है, सो दिस इज अ मोरल हजार्ड। क्लियर, आगे बढ़े। तो यहां पे आगे चलते हैं, लिखा इसका बैकग्राउंड के बारे में भी जानते हैं कि कहते हैं इन जनवरी 2019 द IRDAI जो रेगुलेटरी है इंश्योरेंस कंपनीज का, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि द फॉर्मेशन ऑफ अ कमेटी ऑन DSSIs। जनवरी 2019 में IRDAI ने अनाउंसमेंट की कि गठित की जाएगी कमेटी किसके ऊपर, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरर के ऊपर। क्लियर, आगे लिखा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, अब वो जो कानून होगा वो कमेटी का, the constitution of the committee came in the backdrop of international association of insurance supervisors important, clear, asking all the member countries to have a regulatory framework to deal with domestic sales। yahan pe aap log isko underline kijiye,
जस्ट अ सेकेंड, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरीके के डाटा हमें इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लियर है ना। यहां पे नेक्स्ट चलते हैं। आगे लिखा कि जो आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स है, जिसको IAIS का दर्जा दिया गया, इज अ वॉलेंट्री मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स फ्रॉम ओवर 200 जुडिक्शंस constituting 97% of the world's insurance premiums. अरे important रहेगा, world स्तर की बात की, global स्तर की बात की गई है, clear? और it is the international standard setting body for the insurance sector. यहाँ पे ये चीज आप लोग mark करके रखें कि ये एक ऐसा international standard है, global स्तर पर, विश्व स्तर पर, जो setting the body, अरे किसके लिए? insurance sector के लिए, क्लियर। आगे बढ़े तो नेक्स्ट लिखा गया कि डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक क्या है। देखें यहां पे लिखा कि जो आपका डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक है, उसका मतलब क्या रहता है कि एक बैंक है जो बहुत बड़ा है टू फेल। According to the Reserve Bank of India, भारत के सेंट्रल बैंक का यह मानना है कि ऐसे कुछ banks become systematically important due to their size, cross jurisdictional activity, complexity, इसका size बहुत बड़ा है, इसने area बहुत cover up कर रखा है, cross jurisdictional activities है इसकी, इसके complexity बहुत ज़्यादा है and the lack of substitute, इसका कोई substitute नहीं है and interconnections. तो क्या बोला गया, बैंक्स हूज एसेट्स एक्सीड 2% ऑफ द जीडीपी आर कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। अब कोई भी बैंक है, अगर उसका एसेट कुल मिला के, उस बैंक का एसेट अगर भारत की जीडीपी का 2% हिस्सा बन गया, तब हम लोग उसको इस ग्रुप में डाल देंगे, क्लियर। सो दिस इज योर डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, तभी तो वर्ड यूज किया स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट। आगे लिखा कि अभी तक प्रेजेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक एंड द HDFC बैंक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये दोनों डाटाज आपके लिए मेंस पर्सपेक्टिव से आप लोग मानकर चलें, क्लियर। अब मैं अगर बात करूं सिग्निफिकेंस का, कहते शुड सच बैंक फेल, क्या ये ऐसे बैंक फेल हो सकते हैं आने वाले टाइम में, there would be a significant disruption. यहाँ पे लिखा कि significant disruption to these essential services, ये essential services में बिल्कुल आ रहे हैं, और लिखा कि they provide to the banking system and the overall economy, बिल्कुल ठीक। अरे भारत के लिए तो overall economy देख रही है, तो लिखा the too big to fail, काफी बड़े bank हैं, fail भी अगर हो जाए तो, tag also indicate that in case of distress, अगर ये टू बिग टू फेल का टैग सपोज कीजिए SBI को मिल गया, तो वो क्या दर्शाता है कि अगर कभी SBI बैंक के अंदर डिस्ट्रेस होता है तो गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट दीज बैंक्स। अरे कंसेप्ट ये है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक को अगर दर्जा मिल गया है टू बिग टू फेल, एक टैग मिल गया, तो इन द फ्यूचर अगर ये बैंक फॉल करते हैं, गिरते हैं, तो भारत सरकार एक्सपेक्ट करेगी इनको मदद के लिए, क्योंकि लिखा है कि गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट दीज बैंक्स, क्लियर। आगे लिखते हैं कि ड्यू टू दिस परसेप्शन, अब इस परसेप्शन से क्या होता है कि दीज बैंक्स एंजॉय सर्टेन एडवांटेजेस इन द फंडिंग, तो इस तरीके के बैंक्स को फंडिंग के अंदर भी काफी एडवांटेजेस मिलते हैं। इट ऑल्सो मीन्स दैट दीज बैंक्स हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज मेजर्स रिगार्डिंग द सिस्टमैटिक रिस्क एंड द मोरल हैजार्ड्स इशू, तो इनके पॉलिसीज दूसरे बैंकों के आधार पर थोड़े से चेंज रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क एंड द मोरल हैजार्ड्स इशूज, क्लियर। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखकर बताइएगा। आगे चलते हैं,
सो आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज रहेगी गुड कंडक्ट एंड द अर्ली रिलीज, ये है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर टू के लिए. क्लियर है स्टूडेंट्स? शेल बी स्टार्ट. ओके, तो देखें यहां पे क्या लिखा गया कि सबसे उच्च न्यायालय भारत का सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट लेंथ ऑफ अ प्रिजन सेंटेंस और द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम कैन नॉट बी सोल बेस फॉर डिनाइंग अ कॉन्विक्ट प्री मेच्योर रिलीज फ्रॉम जेल. अरे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गया कि लेंथ ऑफ अ प्रिजन, कितनी देर की सजा की गई है सेंटेंस, और द ग्रेविटी ऑफ क्राइम कि उसने कौन सा क्राइम कितनी गहराई तक कमिट किया, ये दोनों बातें कैन नॉट बी द सोल बेस, ये कोई आधार नहीं, मुद्दा नहीं, बेस नहीं बनेगा ताकि डिनाई किया जा सके अ कन्विक्ट प्री मेच्योर रिलीज फ्रॉम द जेल. क्लियर? आगे लिखते हैं कि जजमेंट केम इन, अब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कहां पे, कहते केम इन अ प्ली मेड बाय द टू प्रिजनर्स हु हैव बीन इम्प्रिजेंड फॉर अ बॉच्ड किडनैपिंग फॉर द रैंसम केस इन द उत्तर प्रदेश. क्लियर है? जो किडनैपिंग को लेकर, किडनैपिंग को लेकर जो केस बना था सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट्स पास किए हैं. आगे लिखा गया दे आर इन देयर अर्ली मिडिल एज विद अ रिकॉर्ड ऑफ गुड कंडक्ट इन जेल, तो इन दोनों कैदियों की बात की गई है उनके बिहेवियर को लेकर. तो बोला गया द कोर्ट हेल्ड दैट देयर एक्शन ऑफ किडनैपिंग, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि उन्होंने जो किडनैपिंग की थी देयर एक्शन ऑफ किडनैपिंग वॉज नथिंग बट अ फैंसिफुल अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस सॉरी टू प्रोक्योर ईजी मनी, ताकि जल्दी से जल्दी पैसा बनाया जा सके. फॉर विच दे हैव लर्नड अ पेनफुल लाइफ लेसन एंड ऑर्डर देयर रिलीज, तो अब उनको शिक्षा मिल चुकी है, वो सबक सीख चुकी हैं, अब उनको जेल से रिलीज किया जाए, ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए हैं. क्लियर? हालांकि लिखा गया द थ्री जज बेंच हेल्ड दैट एंड असेसमेंट ऑफ द टेंडेंसी टू कमिट अ क्राइम अपॉन रिलीज मस्ट बी बेस्ड ऑन एंटीसीडेंट्स एज वेल एज द कंडक्ट ऑफ द प्रिजनर्स व्हाइल इन द जेल एंड नॉट मेरली ऑन हिज एज और द एप्रिहेंशंस सॉरी एप्रिहेंशंस ऑफ द विक्टिम एंड द विटनेसेस. क्लियर है? चले आगे, ये कुछ वर्डिक्ट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अब यहां पे क्या बोला गया, सबसे पहले फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स शुड स्पेशली बी गिवन अ सेकंड चांस, कि एक बार जो ऑफेंडर है उसको दूसरा मौका दिया जाए एट लाइफ अलाउइंग देम टू लुक फॉरवर्ड टू द ब्राइट फ्यूचर. क्लियर है? नेक्स्ट आया क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया. एक मिनट, यहां पे फोकस कीजिए क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया भारत के अकॉर्डिंग क्या है. तो लिखा द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो भारत का है रेफर्स टू अ एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट चार्ज्ड, ये भारत सरकार की एजेंसी है कि सॉरी एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट चार्ज्ड विद एनफोर्सिंग द लॉ एडजुडिकेटिंग क्राइम एंड करेक्टिंग क्रिमिनल कंडक्ट. इंपॉर्टेंट कि ये एक डेफिनेशन दिया गया, एक बेसिक डेफिनेशन कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है भारत के अंतर्गत या भारत के संविधान में. क्लियर? नेक्स्ट है द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज एसेंशियली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल कंट्रोल. अरे वो कौन से सोशल कंट्रोल्स हैं, तो देखिए नंबर वन कहते सोसाइटी कंसीडर सम बिहेवियर, अब भारत के अंदर जो एक सोसाइटी है वहां पे कुछ ऐसे बिहेवियर्स को डेंजरस बोला गया एंड डिस्ट्रक्टिव बोला गया सोसाइटी के लिए ही, दैट इट आइदर स्ट्रिक्टली कंट्रोल, या तो वो जल्द से जल्द उसको सुधारा जा सके, कंट्रोल में लाया जा सके, देयर अकरेंस और आउटलॉ देम आउटराइट. क्लियर? ये सोसाइटी के परस्पेक्टिव से लेकर है.
नेक्स्ट क्या बोला गया कि इट इज अ जॉब ऑफ द एजेंसी, जो भारत सरकार की है, कि चार्ज्ड विद एनफोर्सिंग द लॉ कि ऑफ द एजेंसीज ऑफ द जस्टिस टू प्रिवेंट दीज बिहेवियर बाय एप्रिहेंडिंग एंड पनिशिंग द ट्रांसग्रेसर्स और डिटर्निंग देयर फ्यूचर अकरेंस. अगेन इंपॉर्टेंट. क्लियर, बढ़े आगे. नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम लोग. अब यहां पे लिखा, आप लोग ना यहां पे एक चीज को ध्यान में दो स्टूडेंट्स, हर एक डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन मैंने स्लाइड्स के अंदर ही लिख दी है, रेदर देन मैं आपको डाटा एड ऑन करवाता क्योंकि फिर बहुत लंबा चला जाता है हमारा. तो प्लीज ये न्यूज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी के अंदर ना कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो हम लोग मेन्स में, मेंस रेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वहां पे. क्लियर है? और यहाँ पे देखा जाए तो पॉलिटी को लेकर देखा जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और काफी ज्यादा क्रूशियल रोल भी प्ले करेगा ये. तो यहाँ पे बढ़ते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रीब्यूटिव जस्टिस? तो देखिए लिखा गया कि एक ऐसा सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस का, और आधार क्या रखा गया, हमने बोल तो दिया कि रेब्रीब्यूटिव जस्टिस क्रिमिनल जस्टिस का एक आधार है, और वो कौन से आधार पे रखा गया, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स रेदर देन ऑन रिहैबिलिटेशन. सॉरी, कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स रेदर देन ऑन रिहैबिलिटेशन लिखा. इट होल्ड दैट. अब क्या होल्ड करता है कि व्हेन एन ऑफेंडर ब्रेक द लॉ, अगर कोई भी ऑफेंडर कानून तोड़ता है, जस्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है दैट दे मस्ट सफर इन रिटर्न. बिल्कुल ठीक है. तो उसने जो कानून तोड़ा उसको उसी का भुगतान भी करना पड़ेगा. इट ऑल्सो रिक्वायर दैट रिस्पॉन्स टू अ क्राइम मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द कमिटेड ऑफेंसेस. इंपॉर्टेंट लिखा है ना कि जो क्राइम कमिट करवाया गया, रिस्पॉन्स टू अ क्राइम मस्ट बी प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखवाया गया है टू कमिटेड ऑफेंसेस. क्लियर. नेक्स्ट, रिफॉर्मेटिव और द रिस्टोरेटिव जस्टिस क्या चीज रहती है? अगेन नेक्स्ट डेफिनेशन पे फोकस करते हैं. तो यहां पे लिखा कि इट इज जनरली द मोस्ट एप्रिशिएटेड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. ये काफी ज्यादा एप्रिशिएटेड थ्योरी है पनिशमेंट को लेकर, सजा को लेकर. क्यों? क्योंकि ये बिलीव किया गया है इन द कंसेप्ट दैट जो ऑब्जेक्ट है इज टू बी एक्सटेंट क्राइम एंड नॉट द क्रिमिनल. क्लियर. नेक्स्ट बढ़ा गया तो इट बिलीव, तो ये माना गया कि नो बडी इज बॉर्न एज अ क्रिमिनल. ये बोला गया है रिफॉर्मेटिव या फिर रिस्टोरेटिव जस्टिस के तहत कि कोई भी क्रिमिनल जन्म से क्रिमिनल नहीं बनता, कि नो बडी इज बॉर्न एज अ क्रिमिनल एंड इट इज ओनली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दो सर्कमस्टांसेस. वो सर्कमस्टांसेस क्या रहते हैं जो एक इंसान को क्रिमिनल बनने में मजबूर करते हैं, विच वर अराउंड द ऑफेंडर्स या फिर क्रिमिनल्स. क्लियर, आगे बढ़ते हैं. अब क्या चैलेंजेस रहेंगे, चैलेंजेस को देखिए. लिखा गया इन इफेक्टिवनेस किस चीज में, कि जो आपका सिस्टम है हैड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इनोसेंट. अब कंसेप्ट फोकस कीजिए, प्रोटेक्ट करना है इनोसेंट को एंड पनिश द गिल्टी. क्लियर. बट नाउ टुडे इट हैज बिकम अ टूल ऑफ हेरासमेंट फॉर द कॉमन पीपल. बट अब ये एक हथियार बन चुका है कॉमन पीपल को हेरास करने का. क्लियर. नेक्स्ट आया पेंडेंसी ऑफ केसेस. तो इसके तहत क्या चीज है, लिखा कि इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ 2018 से लेकर 2019 में, देयर आर अबाउट 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग. अरे कंसेप्ट देखिए, भारत के अंदर 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़ चुके हैं. आप लोग फिगर पे, कंसेप्ट पे फोकस कीजिए इन द जुडिशियल सिस्टम, जुडिशरी के अंदर, और कहां पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एंड द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में. लीड टू द एक्चुअलाइजेशन ऑफ द मैक्सिमम जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड.
तो यहाँ पे माना गया इकोनॉमी सर्वे 2018 से 19 के तहत ये नोट किया गया कि 3.5 करोड़ भारत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग हैं, और तभी तो बोल दिया गया कि जस्टिस डिले हो चुका है, कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, क्लियर। और आगे लिखा ह्यूज अंडर ट्रायल्स के अंतर्गत की इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, क्लियर। इन एफिशिएंसी ऑफ पुलिस, तो क्या है कि पुलिस बींग द फ्रंट लाइनर इन द क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, वो फ्रंट लाइन पे रोल प्ले करती है अगर कोई भी क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम को लेकर केस आता है तो वो पुलिस आपकी प्ले अ विटल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, करेक्ट। However, अब फिर भी पुलिस का हमने बोल तो दिया है कि सबसे बड़ा विटल रोल प्ले किया जाता है, बट ये माना गया है डाटा के अंदर बोला गया कि करप्शन होने के कारण, ह्यूज वर्कलोड होने के कारण एंड अकाउंटेबिलिटी होने के कारण पुलिस इज अ मेजर हर्डल इन द स्पीडी एंड द ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ द जस्टिस, अगेन इंपॉर्टेंट, कि अब जो फ्रंट लाइन पे ही काम कर रहे थे ये माना गया कि ड्यू टू द ओवरलोड, ड्यू टू द अकाउंटेबिलिटी, ड्यू टू द करप्शन हर्डल्स इज देयर, और हर्डल्स होने के कारण जस्टिस के अंदर स्पीडी रिकवरी नहीं हो पाती, जस्टिस के अंदर ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी नहीं हो पाती है, क्लियर है। तो ये है आपका इनएफिशिएंसी ऑफ द पुलिस को लेकर चैलेंजेस हैं ये, क्लियर। हम लोग इसको कैसे ओवरकम करते हैं आगे फ्यूचर में देखते हैं। नेक्स्ट आया सॉल्यूशन, तो क्या है, द रीजन फॉर द विक्टिमाइजेशन शुड बी गिवन अ मेजर थ्रस्ट इन रिफॉर्मिंग लॉज टू आइडेंटिफाई द राइट ऑफ द क्राइम विक्टिम, करेक्ट। नेक्स्ट अब कहते द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ऑफेंसेस एंड रीवर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंसेस मस्ट बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल जुरिसप्रूडेंस, क्लियर है। लिखा विच हैव सब्सटेंशियली ऑल्टर्ड इन द पास्ट 4 डिकेड्स, आगे लिखा गया अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस क्या चीज रहेगी कि मस्ट बी डन इन अ मैनर कंड्यूसिव टू द मैनेजमेंट ऑफ द क्राइम्स इन द फ्यूचर। इवन लिखा कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स की हमें जरूरत रहेगी, क्यों, ताकि हम लोग डेवलप कर सकें सफिशिएंट डिबेट्स को बिफोर क्रिमिनलाइजिंग एन एक्ट एज अ क्राइम, क्लियर। नेक्स्ट द डिस्क्रीशन ऑफ जजेस इन डिसाइडिंग द क्वांटम एंड द नेचर ऑफ सेंटेंसेस डिफरेंटली फॉर द क्राइम्स ऑफ द सेम नेचर शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल प्रीसिडेंट्स, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सॉल्यूशन किसको लेकर कि गुड कंडक्ट एंड द अर्ली रिलीज जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं, ओके। हम लोग आज की नेक्स्ट न्यूज पे फोकस करते हैं, तो आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज रहेगी अटल टनल, काफी ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगी ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करूं, ओके। तो देखिए यहां पे लिखा कि द प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द अटल टनल, अरे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही रखा गया है अटल टनल, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग एरिया में आपको मिलेगी। और ये क्या कनेक्टिविटी देती है, कहते इट कनेक्ट सोलांग वैली नियर द मनाली टू द सिसु इन लाहौल एंड स्पीडी डिस्ट्रिक्ट। इसको थोड़ा सा आप लोग अंडरलाइन कर लो, कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट रहेगी कि सोलांग वैली जो मनाली के पास आपको देखने को मिलती है वहां से लेकर लाहौल एंड स्पीडी डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया रहेगा सिसु, वहां तक ये कनेक्टिविटी दे रही है आपकी अटल टनल। तो स्टूडेंट्स क्लियर है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये डाटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिखा गया यहाँ पे कि इसकी लेंथ कितनी है, 9.02 किलोमीटर्स इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड, अगेन डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिलिम पर्सपेक्टिव से, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे है ना कि लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है पूरे विश्व में
अबव द हाइट ऑफ 3000 मीटर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है यहां पे लिखा गया कि इट कट्स थ्रू अ माउंटेन वेस्ट ऑफ रोहतांग पास विल शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन द सोलांग वैली एंड सिसु बाय अराउंड 46 किलोमीटर्स। कि ये टनल बनने के बाद ना 46 किलोमीटर का रास्ता कट हो कट चुका है एंड विल टेक अराउंड 15 मिनट्स टू कवर, 15 मिनट में हम लोग पहुंच सकते हैं। और अगर इससे पहले 4 घंटे लगते थे, 4 आवर्स टू ट्रेवल बिटवीन द टू पॉइंट्स। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? ये है इसका सिग्निफिकेंस, ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, ये है इसका मेन एम, क्यों बनाया गया अटल टनल को। करेक्ट, आगे क्या लिखा, नेक्स्ट कि ऑल ईयर कनेक्टिविटी क्या है, कि द अटल टनल, आपकी जो अटल टनल है वो क्या चीज रहेगी, इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड ऑल ईयर कनेक्टिविटी टू लद्दाख। अगेन इंपॉर्टेंट, पूरे साल ये लद्दाख को कनेक्टिविटी भी देती है। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती थी जिसके कारण ब्लॉक, रोड ब्लॉक हो जाती थी। अब वो हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि द टनल हैज द पोटेंशियल टू लिंक लद्दाख टू मनाली एंड चंडीगढ़ थ्रू आउट द ईयर एज इट वुड बाईपास रोहतांग पास विच इज नोड इन थ्रू द विंटर मंथ। क्लियर, डिफेंस को लेकर काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगी आपकी अटल टनल। आगे स्ट्रेटेजिक क्या है, तो लिखा द टनल प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू द कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस। जैसा कि अभी हमने फोकस किया स्टूडेंट्स कि डिफेंस सर्विसेज को भी लेकर ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है आर्म्ड फोर्सेस को लेकर, क्योंकि लद्दाख से मनाली तक पूरा साल हमें कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है वाया चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी जिसको आप लोग बोलते हो। बाय प्रोवाइडिंग ईयर लॉन्ग कनेक्टिविटी टू द बॉर्डर एरियाज, बिल्कुल ठीक है, इट विल सेव एन एंटायर डे फॉर द ट्रूप्स एंड द सप्लाईज एज दे मे मूव टूवर्ड द फॉरवर्ड पोस्ट। करेक्ट, शेल वी मूव फर्दर स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यहां पे मैंने आपके लिए कटिंग लगाई है तो प्लीज इसको एक बार पढ़ लो अच्छे ढंग से। लेंथ कितनी आई, 9.02 किलोमीटर हमने देख लिया था। इवन शेप क्या है, घोड़े के शू का, इस तरीके से यू शेप। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। हॉर्स शू शेप हो गया, और लोकेटेड कहां पे है, बिटवीन द रोहतांग पास, कनेक्ट करता है मनाली टू द लाहौल स्पीति वैली। डिस्टेंस कितना कम कर दिया, 46 किलोमीटर का डिस्टेंस तो कम कर दिया, और कितना टाइम बचा दिया, 5 घंटे का। और जो आपकी अटल टनल है फ्रॉम द मीन सी लेवल 3000 मीटर की ऊंचाई पे, तभी तो आपने बोल दिया वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। ठीक, और ये सिंगल टनल है, डबल लेन टनल, मतलब जा भी सकते हो आ भी सकते हो पैरेलली। मैक्सिमम व्हीकल स्पीड इसके अंदर रहेगी 80 किलोमीटर पर आवर की, और इसके अंतर्गत आपको टेलीफोन फैसिलिटी भी मिल जाएगी हर 150 मीटर की डिस्टेंस पे। एवरी 150 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस टेलीफोन फैसिलिटी अवेलेबल है, फायर हाइड्रेंट्स भी अवेलेबल है एवरी 60 मीटर्स, एमरजेंसी एग्जिट हर आधे किलोमीटर पे अवेलेबिलिटी है। क्लियर, और एयर क्वालिटी मॉनिटर है हर 1 किलोमीटर पे, ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम सीसीटीवी के अंदर आते हैं एवरी 250 मीटर्स। और यहां पे लिखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द अटल टनल ऑन द सैटरडे, यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, और अटल बिहारी वाजपेयी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द अप्रोच्ड रोड टू द टनल इन द 2002। क्लियर, और तभी तो लिखा अ लुक एट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड। याद रखें लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है पूरे दुनिया को लेकर। अब यहां पे थोड़ा जल्दी से क्विक कर लेते हैं, तो यहां पे क्या लिखा गया कि जो आपकी अटल टनल है अवेलेबल बेसिक फैसिलिटीज के अंतर्गत क्या है, लिखा द रेजिडेंट्स ऑफ द लद्दाख हु हैड टू फेस इमेंस हार्डशिप टू अवेल इवन बेसिक फैसिलिटीज। अरे
जो हार्डशिप करना पड़ता था लद्दाख के सिटीजन्स को एक बेसिक फैसिलिटी को अवेल करने के लिए, लाइक हेल्थ केयर, लाइक फूड सप्लाई, विल नाउ बी एबल टू रीच मनाली एंड कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्लियर? अब वो उनको हार्डशिप नहीं करनी पड़ेगी अटल टनल के द्वारा, क्योंकि सामान चंडीगढ़ से मनाली, मनाली से आगे लद्दाख इजीली जा सकता है, क्योंकि हमने रोहतांग पास को बाईपास कर दिया। वो रोहतांग पास जहाँ पे सर्दियों में बर्फ ढकी रहती थी और सप्लाई जो एसेंशियल सप्लाई थी वो भी कट हो जाती थी। क्लियर? यहाँ पे लिखा यूजिंग द न्यू टनल इवन एसेंशियल कॉमोडिटीज जिसके अंतर्गत पेट्रोल, वेजिटेबल सप्लाईज वुड ऑल्सो लाइकली बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आया बून फॉर द फायर फार्मर्स, सॉरी फार्मर्स। तो क्या है ट्रेड को लेकर भी, डोमेस्टिक ट्रेड जिसको बोलते हैं आप लोग, कि द ड्रॉप इन ट्रेवल टाइम विल हेल्प मेनी स्पेशली फार्मर्स हूज प्रीशियस क्रॉप्स लाइक पीस पोटेटोस विल नो लॉन्गर रॉट इन द ट्रक बिफोर रीचिंग द मार्केट। क्लियर? आगे आया बूस्ट टू टूरिज्म, अरे लेवलीहुड्स इन द टूरिज्म सेक्टर ऑफ द रेजिडेंट्स इन द लाहुल वैली एंड द लद्दाख वुड गेट अ बूस्ट। क्लियर? और अगर मैं बात करूं रोहतांग पास की, तो रोहतांग पास 3978 मीटर्स की हाइट पे रहता है, 3978 मीटर्स फ्रॉम द मीन सी लेवल आपको रोहतांग पास मिलेगा आपका। इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। इवन इट इज प्रेजेंट ऑन द पिर पंजाल रेंज ऑफ द हिमालय। अरे स्टूडेंट्स, पिर पंजाल रेंज इंपॉर्टेंट रहेगा, काराकोरम रेंज के बाद पिर पंजाल, सॉरी लद्दाख जास्कर रेंज आते हैं, देन आफ्टर और पिर पंजाल रेंजेस इंपॉर्टेंट रहेंगे रेंजेस। और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रोहतांग पास को लेकर रिवर्स की बात करूँ, तो कौन कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जो रोहतांग पास के साथ वाले रीजन में से ओरिजिनेट होती हैं, देन इट इज योर रावी एंड अनदर वन इज योर ब्यास। याद रखें ये दो नदियां हैं जो ओरिजिनेट करती हैं नियर द रोहतांग पास इन द लाहुल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? शैल वी मूव फर्दर, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ओके तो हमारी आज की न्यूज रहेगी शौर्य मिसाइल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जीएस पेपर 3 के लिए एंड जीएस पेपर 2 के लिए। शैल वी स्टार्ट? ओके अब है क्या चीज देखें, यहां पे लिखा गया है अ सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ द न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल वॉज कंडक्टेड बाय द इंडिया। हालांकि हमने इसका ट्रायल किया है बट सक्सेसफुल रहे हम लोग उसके अंदर शौर्य मिसाइल को लेकर। क्लियर? इवन ऑल्सो ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल वॉज टेस्टेड इन अ फ्यू डेज बिफोर दिस टेस्टिंग। इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट भी, आप लोग अब यहाँ पे डाटा एड ऑन कीजिए ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को लेकर। तो लीजिए यहां पे है ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, तो क्या चीज है? एक तो लिखा गया ये सरफेस टू सरफेस है कि सरफेस टू सरफेस ही अटैक कर सकती है, वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। कहां पे किया ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एट
बालासोर जो आपका ओडिशा के अंदर है। करेक्ट है स्टूडेंट्स यहां तक। नेक्स्ट अगर और भी पॉइंट लिखा जाए तो ये क्या चीज है, कहते हैं इट इज अ ज्वाइंट वेंचर। अरे ज्वाइंट वेंचर है किसके बीच में, ज्वाइंट वेंचर बिटवीन डीआरडीओ ऑफ इंडिया जो भारत का है एंड एनपीओएम जो एजेंसी रहती है एक रशिया की डिफेंस को लेकर। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और अगर थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो लिखा गया कि जो आपका ब्रह्मोस है जिसके ऊपर हम लोग अभी डाटा एडम कर भी रहे हैं इज नेम्ड ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्रा जो भारत की है इंडिया एंड मॉस्क्वा रशिया की। तो इन दोनों रिवर्स के आधार पे हमने नाम रखा ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र भारत की, और मॉस्क्वा रशिया की रिवर। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक, आगे बढ़े। ओके अगर देखे कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें। आगे आया कि जो एक शौर्य है, शौर्य इज अ लैंड वेरिएंट ऑफ द शॉर्ट रेंज मिसाइल। क्लियर। और क्या है ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको आप लोग बोलते हो SLBM K-15 सागरिका विच हैज अ रेंज ऑफ एटलीस्ट 750 किलोमीटर्स। अब स्टूडेंट्स अगेन व्हाट डू यू मीन बाय SLBM, लिखें यहां पे फिर से डाटा कर ले एड ऑन SLBM जो है आपका K-15 सागरिका को लेकर। तो क्या चीज है, लिखा कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द 3500 किलोमीटर्स रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, और वो कौन सी है स्टूडेंट्स, दिस इज योर K-4। क्लियर है। अब ये क्या है आपका सागरिका को लेकर कि इंडिया की सक्सेसफुली जो हमने टेस्ट किया 3500 किलोमीटर लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो आप बोल दो K-4 टाइप की। और अगर इसी के अंतर्गत और भी डाटा किया जाए तो कैरिड आउट बाय DRDO एट विशाखापट्टनम। जस्ट अ सेकंड, एट विशाखापट्टनम कोस्ट राज्य रहेगा, स्टेट है आपकी आंध्र प्रदेश। हालांकि काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह क्योंकि नेवी को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विशाखापट्टनम। क्लियर है, क्योंकि मेजर कैरियर्स आपको यहीं पे मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आया कि आपकी जो शौर्य मिसाइल है वो कैपेबल है कितना पेलोड लेके जाने में, 200 kg से 1000 kg तक। क्लियर। इवन लिखा कि इट इज अ सरफेस टू सरफेस टेक्टिकल मिसाइल जो अभी हमने देखा भी है। क्लियर। और लिखा कि दीज बैलिस्टिक मिसाइल्स, अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो बिलोंग करती हैं के मिसाइल फैमिली से। अरे के मिसाइल ऐसी कौन सी फैमिली है, वो है जो कोड नेम रखा गया था आफ्टर द डॉक्टर सॉरी लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्लियर, जिसको आप लोग द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना, विच
आर लॉन्च फ्रॉम द अरिहंत क्लास ऑफ द न्यूक्लियर सबमरीन्स। इंपॉर्टेंट है ये चीज आपके लिए, ये चीज प्रिलिम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। एक मिनट, ये वाला पॉइंट ही प्रिलिम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आया कि जो आपका शौर्य मिसाइल है, लाइक मेनी ऑफ द मॉडर्न मिसाइल्स, इसी तरीके के जो दूसरे मॉडर्न मिसाइल्स हैं, इज अ कैनिस्टर्स बेस्ड सिस्टम, जिसका मतलब क्या रहता है कि इट स्टोर्ड एंड ऑपरेटेड फ्रॉम द स्पेशली डिजाइंड कंपार्टमेंट, जो एक स्पेशली डिजाइन कंपार्टमेंट से हम लोग इस मिसाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? और ऑपरेट भी करेंगे। लिखा, द मिसाइल इज लेस वल्नरेबल टू द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ड्यू टू इट्स हाई मैन्यूवरेबिलिटी। क्लियर? सो ये है। तो लिखा, द के फैमिली ऑफ द मिसाइल आर प्राइमरली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको आपने अभी देखा SLBMS। क्लियर? लिखा कि दीज हैव बीन indigenously developed by the Defense Research and Development Organization of India, DRDO के द्वारा बनाया गया। The development of these missiles, अब इसकी development करने में missiles की शुरू की कर दी गई थी 1990s में, as a step toward completing the India's nuclear triad। Clear है students? आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा जाएगा यहाँ पे कि because these missiles are to be launched from the submarines, दे आर लाइटर, ये हल्की रहती हैं, छोटे साइज की होंगी, एंड स्टील देयर स्टेल देयर होती हैं, देन देयर लैंड बेस्ड काउंटर पार्ट द अग्नि सीरीज। अब अग्नि सीरीज के कंपेरिजन में बात की गई है ऑफ द मिसाइल्स विच आर मीडियम, ये मीडियम रहती हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज रहती है इनकी, न्यूक्लियर कैपेबल होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, और इंडिया हैज ऑल्सो डेवलप्ड एंड सक्सेसफुली टेस्ट मल्टीपल टाइम्स द K4 मिसाइल्स from the family which has a range of 3500 kilometers. Students clear hai yahan tak? Aage badhe. Ab ballistic missile kya cheez hai? Ye ek rocket propelled self guided rehta hai, jisko aap log bolte strategic weapon system, jo follow karega parabolic trajectories ko. Clear? Even the ballistic missile can carry conventional high explosives. ये अपने साथ हाई एक्सप्लोसिव भी लेकर चलने में सक्षम है, लाइक केमिकल्स, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर म्यूनिशंस। और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के अंदर क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम BMD इज अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, भारत का है ये, दैट एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स। क्लियर? और अगर बात करें, India's BMD development began in 1999 after the Kargil war. Kargil की लड़ाई के बाद 1999 में इसको संगठित किया गया था, develop किया गया था। अब क्यों? इसका primary aim है to augment India's defense against the possible nuclear attack from the Pakistan. Clear? ये रही आपकी अग्नि 5 की। और यहाँ पे आप लोग एक चीज को note down करें, अग्नि 1 डेट 2012 को लॉन्च टेस्ट किया गया, 700 किलोमीटर का रेंज। अग्नि 2 अगले साल टेस्ट किया गया, 2000 किलोमीटर की रेंज। अग्नि 3 वेरिएंट 2015 में टेस्ट फायर किया गया, 2500 किलोमीटर की रेंज। अग्नि 4 अगेन उसी साल के नवंबर के महीने में 2015 में इसको टेस्ट फायर किया गया और रेंज रही मोर देन 3500 किलोमीटर। तो ये है आपका वेरियंट इन द अग्नि। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे लिखा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो हम कंटिन्यू करते हैं, तो लिखा कि इंडिया सीक्स टू डिप्लॉय अ फंक्शनल आयरन डोम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इनकॉर्पोरेटिंग बोथ लो ऑल्टीट्यूड एंड द हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्टर मिसाइल्स। लो और हाई दोनों को लेकर चलना है कि जो भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो एक प्राइमरी डेवलप्ड बाय द DRDO के द्वारा है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया बोलते हो ना आप लोग, विद द हेल्प ऑफ मेनी पब्लिक एंड द प्राइवेट फर्म्स लाइक बेल, आस्ट्रा, माइक्रोव एंड LNT एक्सेट्रा। इवन बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी है? अग्नि, K4, प्रहार, धनुष, पृथ्वी एंड त्रिशूल।
क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? सो आज का सेशन मैं यहीं तक एंड करता हूं। इवन आप लोग जैसे देखिए हमारे पास नेक्स्ट न्यूज भी पड़ी है, बट ड्यू टू द टाइम हम लोग आज का सेशन यहीं तक खत्म करते हैं। तो किसी को कोई भी डाउट रहेगा ये सेशन को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और मैं आशा करूंगा कि आपको ये वाला सेशन भी काफी अच्छा लगा होगा। सो प्लीज इसको मैक्सिमम व्यू कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।